अभी अभी एक खबर आ रही है, एक यात्री की जान गई है इस ट्रेन हादसे में। अनामिका, आपके पास और क्या अपडेट? देखिए मीनाक्षी, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे घायल जो यात्री थे उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है और एक यात्री की इस रेल दुर्घटना में मौत हो चुकी है। कई घायल हैं इस समय, लेकिन जो ट्रेन थी वो धीमी गति से चल रही थी, इसलिए ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा ट्रेन हादसा होते होते रह गया। हालांकि 12 डब्बे जो हैं वो डिरेल हुए हैं, लेकिन ट्रेन की स्पीड कम थी, ये जो हादसा है ये इससे बड़ा हो सकता था। मगर अभी जो जानकारी मिली है कि एक यात्री की इसमें मौत हो गई है और कई यात्री इस समय वहां पे घायल हैं, जिनकी मदद जो है लोग जो दूसरे यात्री हैं वो कर रहे हैं। जल्द से जल्द अगर जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है या एम्बुलेंस की टीम है वहां नहीं पहुंचती है तो यात्रियों के लिए और मुश्किल बढ़ सकती है। मीनाक्षी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, मैं तो इसे बहुत बड़ा ट्रेन हादसा ही कहूंगी, क्योंकि अगर गाड़ी धीमी गति से चल रही थी उसके बावजूद ये पटरी से उतर गई तो ये कैसे हो गया? पहला सवाल तो यही, ये तो भगवान का शुक्र है कि गाड़ी धीमी गति से थी। अगर तेज गति में होती तो कैजुअल्टी और घायल लोगों के नंबर्स और ज़्यादा बढ़ सकते थे। लेकिन अभी तो सही सही रिपोर्ट भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है वही नहीं पहुंच पाई है। आम लोग जो इस ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे थे वो ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और दो बोगी की तो तस्वीर ऐसी आई है नामिका, जो पानी की तरफ जो है वो बोगी गिरी हुई नजर आ रही है। अब ये पूरा इलाका जो आसपास का दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि खेत खलिहान जैसा इलाका, ओपन एरिया दिखाई दे रहा है। ऐसा ग्रामीण इलाका भी नहीं दिखाई दे रहा है कि जो वहां से लोकल मदद भी तुरंत पहुंच जाए। मीनाक्षी, हम आपको अपडेट दे दें, जो रेलवे की मेडिकल वैन है वो वहाँ पे पहुँच चुकी है। उन प्राथमिकता ये होगी जो जो घायल यात्री हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा चोट पहुँची है उन्हें सबसे पहले फर्स्ट एड दिया जाए और हॉस्पिटल की तरफ उन्हें रवाना किया जाए, क्योंकि कुछ यात्री बहुत बुरी तरीके से इस रेल दुर्घटना में घायल हुए हैं। पानी उन तक पहुँचाया जाए, जो फर्स्ट एड किट है वो लोगों में बांटी जाए। रेलवे मेडिकल वैन की ये प्राथमिक रहेगी, लेकिन वहां से यात्रियों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक पहुंचाना ये एक बड़ा चैलेंज होगा। जैसे हमने बताया कि ये जो रेल दुर्घटना की जगह है ये खेत खलियान के बीच में है, गांव का इलाका है। ट्रेन धीमी गति से चल रही थी क्योंकि 20 किलोमीटर पहले ही एक जो है गोंडा पड़ा था, उससे पहले झलिया जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ट्रेन ने अपनी गति थोड़ी धीमी की थी। 5 किलोमीटर आगे जो है वो थोड़ा दूसरा रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो ये बीच की जगह है जहाँ पे अलग अलग जगह से समय मदद पहुँचाई जा रही है और रेलवे मेडिकल वैन जो है इस समय दुर्घटना स्थल पर पहुँच चुकी है। एक बार फिर से पूरी घटना की जानकारी हम दर्शकों को दे दें। रात 11:39 पर ये ट्रेन चंडीगढ़ से रवाना हुई। दोपहर 2 बजे ट्रेन गोंडा से निकली और दोपहर 3:30 बजे झलाही स्टेशन से निकलने के बाद महज 4 किलोमीटर ही ट्रेन आगे बढ़ी थी कि ये ट्रेन डीरेल हो गई। गोंडा स्टेशन से 27 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वो जगह मनकापुर स्टेशन से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन का अगला स्टॉपेज बस्ती होता, लेकिन उससे पहले ही ये ट्रेन डीरेल हो गए। 10 से 12 डिब्बे अभी तक की शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो पटरी से उतरे हैं, अभी भी जो लोग इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, पैसेंजर्स थे, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं राहत बचाव के लिए। रेस्क्यू टीम, ये देखिए एक और ये नई तस्वीर है जो सामने आ चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए कितनी बुरी तरीके से ये ट्रेन डीरेल हुई है। ये तो शुक्र की बात है, अनामिका हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, तो शुक्र की बात है अनामिका, मैं इसे शुक्र ही कहूँगी कि केवल 4 किलोमीटर आगे बढ़ी थी, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ट्रेन जो है वो धीमी गति से थी और धीमी गति में होने के कारण बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। वरना अगर ट्रेन तेज़ गति में होती और फिर यह हादसा होता तो ये भयावह मंजर होता। बिल्कुल मीनाक्षी, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ट्रेन धीरे चल रही थी, इसीलिए जो हादसा है, जो घायलों की संख्या है वो अभी कम है।
हालांकि 12 डब्बे डिरेल हुए, 3 डब्बे पलट गए। जो शुरुआत के डब्बे थे जो इंजन से सटे हुए थे उनमें यात्री ज़्यादा हताहत हुए हैं, वो पलटे हैं, लेकिन ट्रेन उतनी फास्ट नहीं चल रही थी जितनी ट्रेन को चलनी चाहिए। क्या कारण था, क्या ट्रेन को सिग्नल मिला था, क्या लोको पायलट के पास संदेश आया था, ये अभी कहना मुश्किल होगा। जब जांच की जाएगी या ये देखा जाएगा कि सभी यात्री सुरक्षित है, उसके बाद ये कहना जो है वो संभव हो पाएगा कि क्या कारण था कि ट्रेन धीरे थी और ये ट्रेन हादसा हुआ। लेकिन ये अच्छी बात है कि, यह शुक्र की बात है कि एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा इस समय होते होते रह गया, लेकिन इसमें भी एक यात्री ने जो है वो अपनी जान गंवा दी है। कई यात्री अभी घायल हैं, जो कुछ डिब्रूगढ़, कुछ असम के इसमें यात्री थे, यूपी के यात्री थे, बंगाल के यात्री थे। असम के सीएम ने भी इस पे संज्ञान ले लिया है और सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो भी मुमकिन हो, जो भी सबसे नज़दीक हो, जो प्रशासन सबसे नज़दीक हो, वो इस ट्रेन हादसे पर, दुर्घटना स्थल पर पहुँचे और जो जैसे भी संभव मदद हो वो यात्रियों की जा सके, ताकि जो कैजुअल्टी का नंबर है उसे रोका जा सके। अगर कोई यात्री तुरंत जिसे हॉस्पिटल ले जाना हो वो संभव कराया जाए, एम्बुलेंस पहुंचाने की कोशिश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस समय है मीनाक्षी, कि एम्बुलेंस ऐसे जगह पे कैसे पहुंचेगी जहां पे चारों तरफ खेत हैं और एक सिर्फ रेलवे की लाइन है, 2 किलोमीटर दूर जो है खेत से सड़क है, तो एम्बुलेंस को पहुंचाने में भी समय लगेगा। ये कोशिश की जाएगी कि यात्री घायल है उन्हें उठा के एम्बुलेंस तक ले जाया जाए, क्योंकि एक ऐसी जगह है जो शहर से दूर है, सड़क से दूर है। हाँ बिल्कुल अनामिका, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हेल्पलाइन नंबर्स जो रेल प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं वो भी हम लगातार इंडिया टीवी पर फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपके भी अपने कोई साथी, आपके अपने कोई प्रियजन इस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए हैं वो इस वक्त आपके सामने 273-1623, इस नंबर पर कॉल किया जा सकता है और पूरे ट्रेन हादसे के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। रही बात राहत और बचाव की, तो अभी तक पूरी टीम यहां पर पहुंची नहीं है, अभी थोड़ा सा समय और लगेगा और जल्द से जल्द, अभी देखिए बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे की मेडिकल टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। एक यात्री की इस दर्दनाक हादसे में जान गई है। 9957555959, इस पर कॉल करके हेल्प मांगी जा सकती है। इस नंबर पर आप अपने प्रियजनों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, इस ट्रेन हादसे के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। डीआरएम तिनसुकिया की ओर से ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।